सबसे हेल्दी अगर पब्लिसिटी होती है तो वो माउथ टू माउथ होती है। मीन्स आपको किसी ने रिकमेंड किया और उसके बाद आपके पास कोई और आ रहा है। मीन्स जो भी हेल्दी मार्केटिंग होती है वो आपके बारे में कोई दूसरा पर्सन बोले वो सबसे बेस्ट होता है। इसी का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारी क्लास में जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये फीडबैक है कि सर मेरे को मेरे फ्रेंड ने, जैसे किसी गर्ल्स को किसी ज्वाइन किया, सर मेरे किसी भाई ने या फ्रेंड ने या फिर हस्बैंड ने रिकमेंड किया कि आप यहाँ जाइए और यहाँ से आप एक अच्छा प्राइस एक्शन सीखेंगे, लॉन्ग टर्म तक आपको एक फैमिली वाला फील आएगा। तो वो मैंने सब एक स्टूडेंट का फीडबैक लिया तो सबके एक फीलिंग्स जानी, सब ने बताया कि सर आपको हमने कैसे फाइंड आउट किया। और मैक्सिमम लोगों को यही कहना है कि सर आपसे जब हम मिले हैं, क्लासेस ज्वाइन किए तो हमें नहीं पता था, हमें किसी और ने बोला कि आप वहाँ जाइए और करिए। आप उन सब की फीलिंग्स और उनको सुनिए, समझिए। जब भी आप ये क्लासेस ज्वाइन करोगे, मीन्स जब भी आपका प्लान बनेगा, वैसे तो हम लिमिटेड लोगों को लेते, सबको लेते नहीं है, तो आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस फील आएगा कि हम जहाँ भी जा रहे हैं सही जगह है, जो फैमिली है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं एक हर बार बैच में, मतलब पिछले बैच में नहीं लिया था किसी से फीडबैक, वैसे रेगुलरली क्लासेस में फीडबैक लेते थे, तो उसी बेसिस वो क्लासेस में इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, तो फिर लास्ट में मैंने नहीं लिया। इस बार मैं पूछना चाह रहा हूँ सबसे एक फीडबैक कि आपको ये बैच में कैसा लगा, क्या सीखने को मिला, और आपने काफी जगह मतलब यूट्यूब भी देखा है, काफी वो आपके कोर्सेज भी करे, तो क्या मेजर डिफरेंस है? मैं नए बच्चों से एक बार पूछना चाहूंगा, फिर पिछले बैच के बच्चे भी बोल सकते हैं और उससे पिछले के भी। 14 अक्टूबर से हम नया स्टार्ट करेंगे। आपका सर, मैं संतोष कुमार बोल रहा हूँ आपसे कि मैं 2009 में मैंने टेक्निकल लाइफ सीखा था, और हमारे जो उस टाइम गुरु थे वो एक तुषार वैष्णव जी थे, इस समय 92 ईयर्स के हैं वो। उस टाइम बहुत अच्छी चीजें काम करती थी, RSI वाला जो भी एक्सलेटर्स वगैरह है बहुत अच्छे काम करते थे, हमारे अच्छे बहुत ट्रेड्स भी होते थे, मैंने काफी अच्छी वेल्थ जनरेट भी किया था। लेकिन पिछले 3 सालों में मुझे इतनी दिक्कत आ गई है, जोन की जो प्रॉब्लम आई है इसमें थोड़ा सा चीजें हमारी अच्छी कम जाने लगी है। तो अभी दिसंबर मंथ में, जनवरी में जो मैंने जॉब से रिजाइन किया था, तो उन्होंने मुझको रिकमेंड किया था कि अगर तुम्हें इस टाइम कुछ सीखना है तो आपका नाम उन्होंने रिकमेंड किया था। कैसे उनको पता चला ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपका नाम उन्होंने रिकमेंड किया था। और आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि हालांकि पिछले 15 दिन से थोड़ा सा हम अस्त व्यस्त हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब मैंने देखा कि ओवर ट्रेड हमारा जो हो रहा था, आपको बता दें ओवरट्रेड दिन में कम से कम 20 ट्रेड में मार दे रहा था। हाँ। अब 20 ट्रेड में कभी 2 सक्सेस हो गए इंटरडेज में। इंटरडेज मतलब प्रॉब्लम मैं पहले करता नहीं था, ज्यादातर मैं स्विंग और पोजिशनल करता था। इस टाइम पिछले 5-6 महीनों से मैं इंटरडेज करना शुरू कर दिया था, जिसमें सक्सेस रेशियो हमारा और मतलब साइकोलॉजी हमारी और खराब हो गई थी। अभी मैं देख रहा हूँ कि ओवर ट्रेड तो हमारा अब जो 20-25 ट्रेड हो जाता था, अब वो आ गया है मैक्सिमम 5 के आसपास आ गया है। और जो रेशियो हमारा सक्सेस का है, भले वो पॉइंट वाइज कम होता है, बट वो सक्सेस रेशियो हमारा उसमें इंक्रीज इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें। और अभी जो आपने 2 दिन पहले, मैं पिछले जून बैच का आपका स्टूडेंट हूँ, सीखने को तो मुझे बहुत कुछ मिला। ये T1 T2 मेरे लाइफ में पहली बार आया, हालांकि इसके पहले मैं हायर हाई हाई लो ये सब देखता था जो है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मेरे सामने आया है इससे तो सीखने में मुझे बहुत अच्छी कुछ मिली हुई है। अभी जो परसों आपने 2 दिन पहले आपने वीडियो डाला है एस्टेट का जो है, इसको मैं कम से कम 10 बार देखा हूँ। अभी 2 दिन पहले नाइट को 4 बजे तक मैंने इस वीडियो को देखा हूँ जो है। 80% जो मैं गलती करता था जो है, जो मैं गलती करता था सर जो है, जोन में आने के बाद ही प्राइस जो मैं गलती करता था, वो मुझे उस दिन दिखाई पड़ा कि नहीं मैं गलती करके आ रहा हूँ जो है। वो बहुत लोगों ने उस वीडियो की तारीफ करी है, मतलब यूट्यूब पे जो हमने डाला है तो व्यूअर्स ने भी काफी देखो गया ना, तो मतलब पब्लिक के इतने सारे उसमें कमेंट्स है, सब लोगों ने बोला कि ये तो हमारे लिए मतलब जीवन दान है एक तरीके से देखा जाए तो वो वाला। अभी आपसे हम जब बात किए थे, यस मतलब मैंने आपसे बात किया था पिछले 10 दिन पहले जो है, मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि सर ये बिक्स को देख करके थोड़ा मुझे इसमें घबराहट होती है, मैं पोजिशन को छोड़ देता हूँ, याद होगा आपको। परसों के बाद से तो मुझे मतलब कॉन्फिडेंस काफी अच्छा जग गया। मैं आपको यही चीज तो बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट बैच से लेकर के नेक्स्ट 4 महीने तक, क्योंकि 4 महीने से पहले किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे, तो 4 महीने के ड्यूरिंग में हम यही करने वाले हैं, क्योंकि वो एक बेसिक्स है, वो एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन मैं उस चीज को हर एक स्क्रिप्ट के साथ प्रैक्टिकली जब करने जाएंगे, ठीक है, और सबके साथ मिलकर करेंगे तो सबकी ग्रोथ आ जाएगी। मेरा मेंटेलिटी वो है कि वो 4 महीने के अंदर मुझे ना किसी को फेलियर नहीं देगा, मतलब सबकी मुझे सक्सेस चाहिए, मैं उस मेंटेलिटी से आता हूं। इसलिए हो सकता है जितने कम बच्चे एडमिशन हो नेक्स्ट 4 महीने में, भीड़ तो बिल्कुल नहीं इकट्ठा करने वाला। तो वो, अच्छा ये बताओ, नए बच्चे और पिछले बैच वाले बच्चे, ये बताइए किन किन लोगों को, मतलब आप खुद से आए या किसी और ने बोला कि उनसे सीखिए? काफी लोग मुझे ये बार बार बोलते हैं,
इस अच्छा बारे मैंने में बताया तो आपको जो है, मैंने बताया वो मतलब जिससे मैंने सीखा था 2009 में, इसमें उनकी एज 92 ईयर की है और वो ट्रेड बहुत बड़े ट्रेड करते थे अपने टाइम में जब ट्रेडिंग करते थे वो। तो मैं बताऊँ आपको 2010-11 के आसपास में करोड़ों ट्रेडिंग मतलब उनका ट्रेड होता था, और आज तो अब वो उस लायक है ही नहीं जो है, बहुत बड़े आदमी हो। लेकिन उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है ये 2014 अभी जनवरी के मंथ में उन्होंने रिकमेंड किया कि अगर तुम्हें सीखना है इस टाइम पे मार्केट को रियल में, तो आपका नाम उन्होंने लिया था। तब मैंने सर्च किया था साइंटिफिक प्राइस एक्शन जो है, हालांकि मैं यूट्यूब देखता भी नहीं था जो है, बहुत कम, कभी 3 दिन 4 दिन 5 दिन एक बार जाता था यूट्यूब पर जो है, तब मैंने देखा था जो है। अब उनको किसने रिकमेंड किया है, कैसे उनको मालूम, ये मुझे नहीं मालूम है। वेरी नाइस। ये हमारे लिए बहुत एक मतलब सौभाग्य की बात है कि लोग हमें दूसरे लोग रिकमेंड करें और क्लास में कोई और एडमिशन ले रहा, मतलब मीन्स ये तो बहुत बड़ी बात होगी ना कि नहीं सबसे बिल्कुल बड़ी सही, अपॉर्चुनिटी जो होती है वो माउथ टू माउथ होती है कि अगर कोई किसी को रिकमेंड करा, जैसे कोई अपनी सिस्टर को कर रहा है, कोई अपने वाइफ को कर रहा है, या फिर कोई अपने फ्रेंड को कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हाँ बताइए सर हेलो बताइए। सर, जीवन ज्योति बोल रहा हूँ। एक्चुअली ना मेरे को एक मेरे दोस्त ने रिकमेंड किया था आपके लिए, तो अच्छा शुरू में मैं, यार तुम, मेरे पास तो टाइम है नहीं, बोला यार तुम मेरे कहने के बाद कर ले, आपको पता चल जाएगा। अब मतलब कि मैं अप्रैल में आया था, अब मैं उसको बोलता हूँ कि भाई अभी वो जॉब कर रहा है, तो जब जैसे आएगा ना, मैं उसको बोला था कि आप सर एक बार मेरे कहने पे आप राजेश सर की क्लास ज्वाइन कर रहे ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्या आप पढ़ाते हैं, क्या गजब की मतलब कि साइकोलॉजी बिल्डअप करते हैं। तो अभी तो वो फिलहाल जॉब कर रहा है, अभी जैसे वो पेंशन आ जाएगा फिर वो करेगा। तो एक्चुअली उसने मेरे को रेकमेंड किया था, अब मैं उसको रेकमेंड कर रहा हूँ कि यार बहुत बढ़िया है। यही चीज तो है ना, यही चीज तो खुशी देती है। और हमें इसलिए देखो पता क्या होता है, इसलिए हम पुराने स्टूडेंट को हम कंटिन्यू करते हैं और ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। क्यों देते हैं, आपने हमेशा देखा होगा इतने टाइम मेरे साथ कंटिन्यू करो कि जैसे आपका 1 महीने का कोर्स फिनिश हो गया, आपने ये महसूस किया होगा कि मैं आप पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ जैसे आपका 1 महीने का कोर्स फिनिश हो गया। अब देखो ना लाइव क्लास पूरी की पूरी डेडिकेशन किसके लिए, इस बार जितने भी लोगों से, जब तक मेरी तबियत खराब नहीं तब तक मैं जितने भी लोगों से मैंने बात करी, मैं पर्सनली करी ना, मैं दो दो ढाई ढाई घंटे लगाए करी लास्ट तक, मतलब 450 लोगों से, सबसे तो नहीं कर पाया लेकिन मैं 200+ लोगों से बात करी। बच्चों से मैं नया बैच स्टार्ट होने से पहले कर लूंगा, जैसे मैं मेडिटेशन करके आऊंगा मैं कर लूंगा। तो उससे क्या निकलता है, मतलब कि पुराने जितने बच्चे हैं उस पर ध्यान दे रहे ना, मतलब पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जब जैसे लोग क्या करते हैं कि आप कोर्स फिनिश हो गया अब तो फी मिलनी नहीं है, दोबारा फी तो मिल गई, अब क्यों ध्यान देना। नॉर्मली क्या प्रोसेस है कि जिसे काम निकल गया उसे कोई मतलब नहीं, नहीं सर, लेकिन आप फुली ध्यान देते हो बंदों को, भी पुराने हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट आपने सीनियर है। 90% ध्यान तो पुराने पे दिया जा रहा है। 1 महीने का हाँ एक्चुअल में तो कोर्स फिनिश होने के बाद ही प्रॉब्लम आनी है ना उसको, हाँ अरे महीने तो वो समझेगा, दूसरा जब बैच रिपीट करेगा तब वो दूसरी बार अपनी गलतियां मिस्टेक्स ठीक करेगा, वो तीसरी चौथी बार जाके चीजें उसकी बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि मार्केट ओवरनाइट तो सीखने वाला है नहीं, इसमें तो टाइम लगता है ना, तो हर हाँ किसी को सर 5-6 महीने तो चाहिए ना कि भाई मैं सर जिसके पास जाऊं वो मेरा साथ दे, कब तक, जब तक मैं सीखना चाहूं। हो सकता है किसी की कैपेसिटी, किसी को 3 महीने हो सकता है सीखने में लगे, किसी को 6 महीने में लगे, किसी को 9 महीने में, किसी को 1 साल लगे। कोई कहता है यार मैं तो बहुत स्लो ले रहा हूं, मेरे को तो 1 साल लगेगा, लेकिन मेरे को 1 साल में तो अगर कहीं जाऊंगा तो 1 साल में तो मुझे 12 बार फीस देनी पड़ेगी ये, सर सर लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं ना, आपको 12 बार फीस देने की जरूरत ही नहीं है ना, तो मैं वो। कुछ बोल सर सर हाँ बताओ। मैंने आपके यहाँ पे पिछले बैच का मैं स्टूडेंट सौमित्र मित्र फ्रॉम कोलकाता। सर आपके कोर्स करने से पहले मैंने काफी सारे कोर्स किए हैं। सर उनमें से हर एक जगह पे स्ट्रेटेजी या कुछ ना कुछ ऐसा सीखा गया है, जिसमें एक गुरुजी भी है फेमस गुरु जी जिसको सभी जानते हैं, शायद नाम नहीं लूंगा सर। हाँ छोड़ दो, मैं किसी को मतलब हाँ, 2-2.5 लाख का फीस मैंने भी दिया है सर। तो सर वहाँ पे जब हर जगह पे एक ही चीज देखा, जब सीखा कुछ, सीखने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ पैसा अभी कमाऊंगा, लेकिन जब ट्रेड लेता हूँ पूरा कॉन्फिडेंस को पूरा निचोड़ के रख देता हूँ सर। यानी कि पूरा ट्रेडिंग का जो करने का जो इरादा है सब कुछ खत्म कर देता है। तो ऐसे करने के बाद सर मैं रहता हूँ कलकत्ता में, लेकिन गुजरात से मेरे को एक बंदा आपका नाम रिफर किया सर। यही तो इम्पोर्टेंट, मतलब कोई और बोल रहा है क्लास में, कोई और एडमिट कर रहा है कि आप करो मैं गारंटी ले रहा हूं, यार कितनी बड़ी बात है, हमारे लिए तो बहुत ही प्लेजर की बात है। और यहाँ आने के बाद जो सबसे ज्यादा चेंजेस आए कि सर इससे पहले क्या होता था, जितने भी जहां पे जो भी सीखा ट्रेड लेने के बाद वो रेड में चला जाता था, यानी कि लॉस 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 लॉस,
लॉस अभी भी होता है हालांकि, लेकिन क्या है ना सर, अभी ट्रेड जब लेता हूँ तो प्रॉफिट देखता हूँ, प्रॉफिट यानी कि ग्रीन में, अभी अभी सब ग्रीन देखता हूँ, और पहले की तरह सर उल्टा सीधा ट्रेड नहीं लेता। जो जो मैंने जो महसूस किया, जो जो सीखा यहाँ पे, जो सब वही है सर, आप जो कहे थे सर, सब सब लोग वही कहते थे कि पूरा सब सार है मार्केट स्ट्रक्चर, ये मैंने सर कहीं नहीं सीखा। लाखों 2 लाख 2.5 लाख फीस दे के भी अगर कोई एक बार सिखा देता कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या चीज है, तो भी शायद थोड़ा पैसा बच जाता। लेकिन सर सब पैसे एग्जैक्टली गंवाने के बाद फिर जाके आपको मिला, और आपको मिलने के बाद फिर मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आया, और धीरे धीरे ये जो जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा खत्म हो गया, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। अच्छा हम आप जब ट्रेड लेते हैं कोई भी तो थोड़ा वो ग्रीन में दिखता है सर, जो पहले लेने के बाद वो लॉस ही मिलता है, जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे। लेकिन अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं हाँ हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं यही तो कह रहा हूँ कि ना, सीरियसली बोल रहा हूँ इसको, मैं गारंटी, नेक्स्ट 4 महीने ना आपकी लाइफ के डिफरेंट होंगे। बहुत इस महीने मैंने बहुत कुछ सोच लिया था, मतलब मैंने एक एक स्टूडेंट से अगर पर्सनली बात करना स्टार्ट कर दिया था ना, तो मेरे मन में बहुत बड़ा प्लान उसी दिन से चलना स्टार्ट हो गया था, उसका एग्जीक्यूशन भी चलना स्टार्ट हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छी चीज चलने भी स्टार्ट हो गई। लास्ट के 10 दिन में वो तबीयत किसी की भी खराब, उसमें कुछ कर नहीं सकते। वो अगर वो टाइफाइड नहीं, अभी पिक्चर अलग ही होती अगर मुझे नहीं हुआ तो। सर आपने 250 लोगों से बात किया, लेकिन कुछ गुरुजी ऐसे भी है जो सिर्फ बात करने के लिए 5,000 का फीस लेता है सर। एक बार सर कोर्स मार्केट खत्म हो में जाने के जितने, बाद नहीं बात करने के लिए 5,000 रुपये उसको फीस देना पड़ता है, उसके बाद वो बात करते हैं सर। नहीं बता कि रिलेशनशिप इसलिए तो बिल्ड होते हैं, जब आज के दिन में इंडिया के किसी भी कोने में कहीं भी चला जाऊं, मतलब रिस्पेक्ट मिलेगी, लोगों का प्यार मिलेगा, कहीं भी कुछ भी हो जाए मतलब एक सपोर्ट मिलेगा। वो किस लिए है? क्योंकि हमने ये कमाया है, मेन वही है। अच्छा ठीक है, कोई पुराना बच्चा बताइए, क्या बदला अभी हाल फिलहाल में, क्या नया बदला है? पुराने बच्चे बताइए, इससे पिछले वाले बच के या उससे पिछले वाले, जितने भी पुराना कोई भी बता सकते हैं, इवन आलोक जी भी बता सकते हैं, क्या बदला है? सर मैं जहाँ इसमें कुलदीप कनाडा में रहता हूँ, मैं ना हम लोग फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम में थे, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थे, पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ और प्रॉब्लम थी। तो आपकी वीडियो देखने के बाद फिर मैंने ज्वाइन किया था, और मैं आपका सेमिनार भी अटेंड करने आया था। लाइफ के अंदर उतना अच्छा एक्सपीरियंस आपके यहाँ जितना हुआ मेरा ख्याल मेरी पर्सनली लाइफ में मिलने भी आए नहीं थे हुआ आप? होगा। पर्सनली मिलने आए थे? तो मैं पर्सनली मिलने आया था, मैं स्पेशली आपसे मिलने के लिए ही आया था। चेंज हो गई, अब मुझे इतना बड़ा कॉन्फिडेंस हो गया। मैंने अपना ट्रेडिंग के लिए प्रोपराइटरी फर्म मैंने रजिस्टर्ड करा दिया, और आपकी उसमें मैं फोटो यूट्यूब की जो ट्रेनिंग देते हैं वो फोटो मैं उसमें लगाऊंगा, ताकि जो कोई देखेगा भी तो उसे ये पता चले मैंने जहाँ से ये ट्रेनिंग ली है। वेरी नाइस और ग्रुप के अंदर मैंने आपकी वीडियो भी शेयर करी है कि मैंने जहाँ से ली है, मुझे दिन मालूम है कि कैसे लोग जहाँ पे बहुत टाइट पोजिशन में रहते हैं। सर, बिना साइकिल इंडिकेटर का मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है अभी बिना बिना इंडिकेटर के, जो उसका जरूरत थी। अभी मैं पहले एमए भी लगा था, अभी वो भी बंद कर दिया, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करता हूँ। तो और आपका जो इंडिक ट्रेंड एक्सटेंडेड लाइन, वो जो आपका वीडियो था, वो उसको भी कभी कभी लगाता हूँ, वो भी बहुत अच्छा काम देता है। अच्छा मुझे ये बताओ, देखो ना तो इंडिकेटर है, ना कोई स्ट्रेटेजी है, ना कोई कॉन्सेप्ट्स है, फिर भी चीजें एक्यूरेट चल रही हैं। मतलब आप देखो ना, अभी चार्ट पे कुछ भी तो नहीं, चार्ट तो प्लेन है, फिर भी जो स्क्रिप्ट बता रहे हैं, जो कर रहे हैं या बता रहे हैं, इतने टूल्स भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कौन बताएगा इसका बेस्ट आंसर देगा? सर मैं बोल सकता हूँ हाँ बोलो। सर, कॉन्सेप्ट से नहीं, आप एजुकेशन से हमें आगे बढ़ा देंगे। एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ना, वो लाइफ हाँ लॉन्ग सर। हमें इंडिपेंडेंट सर कर। सर मैं कई सारे कोर्स कर रहे हैं सर, वो जो कोर्स करवाते थे सर, जो भी, मैं नाम नहीं लूंगा सर, वो खाली ये बोलते थे कि प्राइस के बिहेवियर को समझो, लेकिन पढ़ाते ही नहीं थे प्राइस का बिहेवियर क्या होता है सर। बस यही बोलते थे प्राइस का समझेंगे कैसे सर। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, फिर आपसे ज्वाइन हुआ सर। आपकी एजुकेशन में एक मतलब था सर, एक एक क्वेश्चन खड़ा होता था, ये क्यों जा रहा है वहां सर, एक एच लाइन से भी प्राइस क्यों जा रहा सर, एक मतलब होता था उस चीज का, आज भी उसका मीनिंगफुल मतलब है सर। यस, मीनिंगफुल है वो, ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नए बच्चे बताइए, नए बच्चे को क्या मतलब क्या डिफरेंट लगा जिन्होंने इधर उधर से थोड़ा बहुत भी समझा या सीखा? तो फीमेल्स भी हमारी क्लास में। सर साइकोलॉजी बहुत अच्छी बिल्ड हो रही है। पहले मैं जब ट्रेड लेता था तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करता था सर। मैं अब जल्दबाजी कम करने लगा हूँ, अब मैं जोन देखने लगा हूँ,
और सभी जो साथ में दिन के टाइम पे क्लास में सर लोग रहते हैं, तो उनके साथ रह के थोड़ा साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो रही है। तो अब इसको कंटिन्यूटी में करिए, क्योंकि मैं जब 10 दिन के अभी मेडिटेशन पे जाऊंगा, तो 10 दिन के बीच में आप लोग, मतलब आप अपनी, आपका प्लेटफॉर्म कभी भी बंद नहीं होगा, मतलब आप आफ्टरनून में, मॉर्निंग में, इवनिंग में आप अपनी चीजों को कंटिन्यू करिए। आप मतलब अपने ब्रेक्स ले सकते हैं, ठीक है, जिनको लेना है, लेकिन आप कंटिन्यूटी में अपने फ्लो को मत तोड़िए, क्योंकि जब आएंगे तो एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे अगले 4 महीने के लिए। कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं इस बार, फोरेक्स के में, इक्विटी में, कमोडिटी में, जो भी, तो जितना हम कर सकते हैं। इवन पहली बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर हम ज्यादा फोकस करें, क्योंकि उसमें 1-2% तो इमीडिएटली आराम से मिल जाता है, जो अच्छे, मतलब जिसमें वोलेटिलिटी होती है। इंट्राडे स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे इस बार। सर मेरा ओवर ट्रेडिंग पूरा जीरो हो गया है अभी अच्छा, ओवर ट्रेडिंग 0 हो गया। पूरा अभी मार्केट स्ट्रक्चर वेट करता, तब तक लेवल पे नहीं आएगा तो ट्रेड ही नहीं लेता मैं। चीजें जिस तरीके से चल रही हैं, जिस तरीके से हम कर रहे हैं, और ज्यादा अच्छी होंगी, क्योंकि अब मेरा का पूरा फोकस जो है ना लाइव मार्केट के ऊपर है। मतलब एजुकेशन जी अपनी जगह है, ठीक है, हमने 1 घंटे 2 घंटे एजुकेशन करी, बट क्या है कि जो स्टूडेंट कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें यार मजा आता है, हर दिन नई चीजें मिले हो, नई करने को मिले हो, जैसे हम कर रहे हैं वैसा मैक्सिमम टाइम हो, तो वो अलग एक सुकून देता है। और उसके साथ 100, 200, 300 लोगों का भला हो रहा हो ना, पब्लिकली भी हम काफी चीजें बताए, तो वो चीजें ना प्लस जाती है, आपको आगे लेके जाती है, तो वो करना है।